दोस्तों नमस्कार। आज है 25 जून सन 2024 वार मंगलवार। दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून पर हमने आपको एक अपडेट वेल इन एडवांस दिया था कि इस बार नौतपा खंडित हुआ है, यानी और उस समय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है वो औसत से कम हो सकता है, साथ साथ असामान्य बरसात का वितरण हो सकता है। कहीं अधिक बरसात और तो कहीं कम बरसात होगा, लेकिन अधिकतर मानसून औसत से कम होने की संभावना है, जबकि भारतीय मौसम विभाग ने औसत से अधिक बरसात होने का अग्रिम अनुमान लगातार दिया है। दोस्तों पिछले 5 सालों से लगातार हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून का अग्रिम अनुमान सही साबित हुआ है। पिछले साल भी आपको याद होगा मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर महीने में रीलबैक यानी वापसी के संकेत लगातार दिए थे, जबकि हमने आपको मानसून अक्टूबर महीने में जारी रहने का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। जानिए मानसून की खबर। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 22 राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी है। इसमें से 22 में से 11 जो लगभग 50% है उसमें सामान्य से कम बरसात होने के समाचार हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो कि 1,50,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर, 7,800 से ज़्यादा कमोडिटी शो और 1,26,00,000 से अधिक व्यू से देश का पहला चैनल आप लोगों ने बनाया है। मैं पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। दोस्तों देश का सबसे तेज बढ़ता चैनल दिसंबर 2023 में 1,00,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में YouTube ने भी इसको सिल्वर बटन से नवाजा था और 6 महीने की काम अवधि में ही ये 1,50,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल बन गया है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून को उत्तरी सीमा ने दक्षिण गुजरात, आधा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक के हिस्से में को कवर कर लिया है। अभी तक मानसून देश में 22 राज्यों में 22 स्टेट में पहुंचने के समाचार हैं, जबकि उत्तर भारत के 6 राज्यों में मानसून का अभी भी हो रहा है इंतजार। इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। गौरतलब है कि मानसून अपनी समय सीमा से पिछड़ रहा है। यदि हम नॉर्मली देखें तो 25 जून तक मानसून आधे गुजरात के साथ दक्षिण राजस्थान में एंट्री नॉर्मली करता है। मानसून का पूर्वी छोर आधा उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तक पहुंच जाता है। यदि हम मौसम विभाग के 1 जून से 24 जून तक के यानी कल सोमवार तक के लेटेस्ट आंकड़े देखें, उसके मुताबिक मानसून में देश के 22 राज्यों पहुंचा है, उसमें से 11 यानी 50% आधे राज्यों में सामान्य से कम या फिर सामान्य से बहुत कम बरसात हुई है। जिन 6 राज्यों में मानसून का इंतजार है उस राज्यों में हर साल की तुलना में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बरसात हुई है, जबकि यूपी, पंजाब, हरियाणा में सामान्य से बहुत कम बरसात होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों जहां मानसून अभी पहुंचेगा इंतजार है, हरियाणा में 77% माइनस हुई है यानी 77% कम हुई है, पंजाब में 75% कम, उत्तर प्रदेश में 73% कम, उत्तराखंड में 69% कम, राजस्थान में लगभग 55% कम और हिमाचल में 54% कम बरसात के समाचार हैं, जबकि तमिलनाडु में 125% बहुत अधिक बरसात है, सिक्किम में 69 यानी 69% बहुत ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में 66% अधिक बरसात है और आसाम में 36 और मेघालय में 36% अधिक बरसात है, जबकि सामान्य बरसात है मेघालय में 19%, तेलंगाना 18%, महाराष्ट्र 5%, कर्नाटक -4, त्रिपुरा +9, पश्चिमी बंगाल में भी 19% कम बरसात है जो कि सामान्य मानी जा रही है, मध्य प्रदेश में 23% कम है, यहाँ पे औसत से कम है, नागालैंड 33% कम है, मिजोरम 34% कम है, अरुणाचल 36% कम है और छत्तीसगढ़ 38% कम है, उड़ीसा में भी 41% कम बरसात बताई जा रही है, केरल में 42%, गुजरात में 61% कम, बिहार में 62% कम और झारखंड में 65% कम है, मणिपुर में 72% कम बरसात है।
तो दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी कई आंकड़ों के आधार पर है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में कम बरसात होना चिंता का विषय माना जाना चाहिए। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जिन इलाकों में अधिक बरसात हुई है उसमें 125% तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र और असम हैं, ये अधिक हैं। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में सामान्य से भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों ये तो अब समय बताएगा, लेकिन जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता जाएगा हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन हम आपको ये ज़रूर रिमाइंड करा रहे हैं कि औसत से कम बरसात का हमारा अग्रिम अनुमान अभी तक सही साबित है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।